नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आम की फसल में लगने वाले कीट मिलीबग के बारे में और साथ साथ जानेंगे इस कीट को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में। तो आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैंगो मिलीबग, जिसे दहिया कीट और चैपा के नाम से भी जाना जाता है, इस कीट के नर और मादा दोनों का नेचर अलग है, क्योंकि इसका नर कीट उड़ता है जबकि मादा कीट रेंगकर चलती है। यह कीट आम की मुलायम ब्रांचे, फूलों के डंठलों और फलों के ऊपर फरवरी से लेकर जून महीने तक चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। यह कीट पौधों के ऊपर कोमल भागों का रस चूसकर मोम जैसा चिपचिपासा पदार्थ छोड़ता है। इस पदार्थ की ओर चींटियां भी आकर्षित होती है। मिलीबग द्वारा छोड़े गए इस पदार्थ की वजह से फफूंदी रोगों को बढ़ावा मिलता है। इस कीट के प्रकोप से असरग्रस्त फूल बिना फल बनाए ही गिर जाते हैं, जो आम की पैदावार पर बहुत बुरा असर डालता है। और इस कीट के द्वारा छोड़े गए चिपचिपे पदार्थ से फंगस जनित बीमारी पैदा होती है, जिससे बड़े फल भी खराब हो जाते हैं। इस मैंगो मिलीबग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो खेत की हल्की जुताई कर देनी चाहिए, जिससे मिलीबग के अंडे और छोटे कीट भी नष्ट हो जाए। पौधों के तनों के आसपास के खरपतवारों को समय समय पर हटाते रहना चाहिए और जमीन को छू रही टहनियों को भी कटाई छटाई करके हटाते रहना चाहिए, ताकि मिलीबग कीट पौधों के ऊपर चढ़ ना पाए। आम के पौधों के तनों पर जमीन से आधा फुट ऊपर अच्छी सी पॉलीथीन सीट का आधा फुट जितना चौड़ा पट्टा लगा लें। बाद में उसके ऊपर ग्रीस को अच्छे से लगा लें। बाद में उस पॉलीथीन सीट और पेड़ का तना दोनों के बीच में जो जगह रह जाती है, उस जगह को गीली मिट्टी या फिर गोबर से बंद कर देना चाहिए। इस उपाय से मिलीबग कीट पेड़ के ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे। और मिलीबग का प्रकोप पेड़ों के ऊपर अगर पहले से ही मौजूद हो तो ट्राइजोफॉस 15 ml, मोनोक्रोटोफॉस 10 ml या फिर क्लोरोपाइरीफॉस 25 ml, इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रकोपित पेड़ों के ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। और इन दवाइयों के साथ में वर्टिसिलियम लेकानी नामक फंगीसाइड पाउडर 40 ग्राम और डिटर्जेंट पाउडर 10 ग्राम मिला लेने से मिलीबग के खिलाफ बहुत ही असरकारक रिजल्ट देखने को मिलता है। आम के बागों में अगर मिलीबग का प्रकोप बार बार रहता हो तो जनवरी फरवरी में खेत की जुताई करके क्लोरोपाइरीफॉस चूर्ण या पाउडर 250 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से तनों के आसपास की मिट्टी में मिला देना चाहिए, ताकि मिलीबग के अंडे और छोटे कीट भी नष्ट हो जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मिलीबग को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आम की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर इस चैनल के ऊपर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। साथ साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारे साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों। जय किसान, जय हिंद।